Hello everyone, this is a strategy video for your CA Final Advanced Auditing and Professional Ethics paper. You may call this as an ABC analysis for the last day before your exams. I would rather particularly want to call it as a strategy paper. First of all, what strategy come in looking at the previous two attempt question papers which have been very different and will selective study help us? Will this ABC or a strategy video be of any use?

सर कब सबके पेपर बिगड़ेंगे और सबके अच्छे जाएंगे पेपर देख के कैसे पता पड़ेगा बहुत सिंपल सा लॉजिक है अगर आपको क्वेश्चंस देखे हुए नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब पेपर अपने आप में आसान है अगर आपको क्वेश्चंस नए तरह के आ रहे हैं भले ही वो पढ़े हुए कॉन्सेप्ट या स्टडी मटेरियल से क्योंकि आते तो वहीं से क्वेश्चन तो ऐसा लगता है कि पेपर अपने आप में थोड़ा टफ हो गया आप माने या ना माने एक्चुअल फैक्ट यही होता है ऐसा सोचना गलत भी नहीं है क्यों क्योंकि हमारी आदत इंस्टीट्यूट ने डाली है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि जैसे उसने सवाल पूछे हमारे आंसर भी एकदम उससे मैच करें इन फैक्ट सजेस्टेड आंसर अब दो दो महीने बाद आने लग गए रिजल्ट्स के तो अब उसकी वो तीव्रता उसके जो डिफरेंसेस या उनमें जो प्रॉब्लम्स या उसमें जो एरर्स कह लो या इनकम्प्लीटनेस कह लो उसका भी रेलिवेंस खत्म हो गया क्योंकि अब एस सच इट्स स्टिल न्यूज जैसे कि आप जुलाई ट्वेंटी के ऑडिट के पेपर की बात कर लीजिए कुछ जगह इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में गिवन फैक्ट्स में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके बियॉन्ड एजम्शन लेके आंसर बना दिया ना कि कंडीशनल आंसर दिया जैसे एथिक्स का एक क्वेश्चन था एंड ओवर एंड अबाउट दिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन में ही नहीं है, में भी हुआ एनी विच इज लिट्स नॉट गेटिंग टू दैट दिस इज नॉट द टाइम फॉर इट बट वाई एम से पेपर हमारे लिए ऐसा हो गया है जिसमें हमको दो बार प्रार्थना करना पड़ती है एक एग्जाम से पहले की है भगवान <coughs> पेपर में वही आए जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कहीं क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है कंटेंट के फॉर्म में नहीं ताकि हम उसे रेप्लीकेट कर सकें और जैसा एक्सपेक्ट इंस्टीट्यूट आंसर कर रहा है वैसा दे सके और अगर कोई नए क्वेश्चन आ गए तो एक बार वापस से आपको प्रार्थना एग्जाम हॉल के बाहर आके करना पड़ेगी सेइंग दैट मैंने जो आंसर लिखा है इंस्टीट्यूट के मन में भी दुआ करना भगवान की वही आंसर आए सही और गलत कुछ नहीं होता है यहाँ पे पावर होना हो और नहीं होना होता है Having said this, uh, please understand why am I taking this particular video and why I'm talking about all these things. Two reasons. One, yeah, video, of the purpose. Yeah, ideally, exams. exam have come one A lot of students were demanding for this, so I have, that is why I'm publishing it uh, now. Two, the relevance of this video is very, very critical. एग्जाम्स। जब आप एग्जाम हॉल में गए और जैसे ही आपने देखा कि कुछ नए तरह के क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन exactly नहीं थे तो आप ये समझ जाना की ये पर्टिकुलर पेपर में आपको लिखने में एकदम ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि बिल्कुल जो चाहिए था इंस्टीट्यूट को वही लिख दिया एंड डू नॉट वरी अबाउट इट यू विल स्टिल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स

इंडिपेंडेंटली सोचिए कि इस क्वेश्चन को यह सोचने की बजाय कि क्वेश्चन कहा होगा कोई आरटीपी एम एमटीपी में तो नहीं जो मैंने छोड़ दिया क्वेश्चन okay, नया है नो प्रॉब्लम विद माय ओन कॉन्सेप्ट्स लेट मी अप्लाई माय ब्रेन एंड अंडरस्टैंड विच प्रोविजन शुड अप्लाई व्हाट आंसर शुड कम और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्रॉस करने की कोशिश करना कि कैन दिस क्वेश्चन आल्सो इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ सम सम स्टैंडर्ड एथिक प्रोविजंस और इवन सम प्रोविजंस ऑफ कारो नॉर्मली एथिक्स के प्रोविजन तब रेफर करते हैं जब स्पेसिफिकली सी एक्ट के रेफरेंस में आंसर देने की बात की जाती है अदरवाइज आप ऐसे और कारो को डेफिनेटली उस पर सोचिए और अगर कंपनी का क्वेश्चन है तो क्या कंपनीज एक्ट के कोई प्रोविजन या पेनल्टीज उस पर अप्लाई हो रही है और क्या क्वेश्चन वो डिमांड कर रहा है ऐसा सोच के आप एक कॉम्प्रेंसिव जवाब बनाने की कोशिश करें और मान जाइए कि ऐसे पेपर में दैट सेंस ऑफ हंड्रेड परसेंट सेटिस्फैक्शन ऑफ डूइंग द पेपर वेरी वेल मे नॉट कम इमीजिएटली

पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए उसके लिए मैंने कुछ एनालिसिस किया हमारी ऑडिट फास्टर की जो अभी बैच कंप्लीट हुई उसका पहले दिन का डिस्कशन है जिसके अंतर्गत सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि आपको एग्जाम में वेटेज समझने के लिए पिछले चार अटेम्प्ट को एनालाइज करना चाहिए इन द प्रीवियस फोर एग्जाम्स अगर मैं देखूँ तो यू विल फाइंड की ऑन एन एवरेज जो पेपर पैटर्न होता है वो थर्टी मार्क एमसीक्यू 70 प्लस एक ऑप्शनल क्वेश्चन 14 और उसके अंदर एक इंटरनल ऑप्शन 18 मार्क्स यानी इफेक्टिवली आपका

88 मार्क्स के पेपर में अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज वेटेज जो रहता है वो एथिक्स के आपको नॉर्मली तीन से चार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 12 टू 16 मार्क्स कंपनी ऑडिट का एवरेज 20 मार्क का वेटेज होता है एक्सेप्ट इन द प्रीवियस अटेम्प्ट जो सिर्फ 10 मार्क का हुआ था जिससे स्पेशल ऑडिट का वेटेज बढ़ गया और पेपर पैटर्न थोड़ा सा हिल गया तो कहीं कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने दूसरे चैप्टर्स को कॉम्प्रेंसिबल नहीं किया था उनका एज सच परफॉर्मेंस डगमगाया

सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में हो सकता है दो क्वेश्चन कंपनी ऑडिट क्यों एक ऐसे का हो थर्ड क्वेश्चन में दो स्पेशल ऑडिट के हो और एक ऐसे से रिलेटेड हो ऐसा मिक्सन मैच होता है तो यू नॉट स्ट्रिक्टली आप यू समझ लीजिए दोस्तों की अगर आपको ये इट इज अ मैरिज यू आर नॉट जस्ट क्रिएटिंग अ रिलेशन विद हर बट विद द फैमिली नहीं यार वो तीन पार्ट में से एक स्पेशल ऑडिट वाला तो मेरा लिए बहुत पसंदीदा नहीं है मैं वो टॉपिक छोड़ के एग्जाम में चले जाता हूँ उसके साथ में हो सकता है दो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो ये शीट आपको मदद करेगी कि आपको क्या क्या चीजों को ज्यादा फोकस करना है और कहाँ पे आप कम फोकस करके पॉसिबली छोड़ने के नजदीक कहीं आके रह सकते हैं तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में देखिए आपको वेटेज मैंने बताया उसके बेसिस पे आप देखेंगे तो सीरीज वाइज इंपॉर्टेंस दो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 500 सीरीज है देन यू हैव द 200 सीरीज देन यू हैव द 300 सीरीज 700 एंड 600 सीरीज यूजुअली ये इंपॉर्टेंस लेवल है 500 सीरीज और 200 सीरीज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है इन दैट सीक्वेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पिछले दो अटैप्ट में पूछे गए उसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन थे तो ऐसे के पांच क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट लगेंगे एक क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है सुना हुआ है कहीं देखा हुआ है वैसा लग रहा है और उसके अलावा दो क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होंगे जहां पे आपको एक रियल लाइफ केस स्टडी दिया जाएगा यू जमीना पांच में से दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें केस स्टडी को एनालाइज करके सोच के जवाब बनाना पड़ेगा बाकी तीन में सिर्फ केस स्टडी दिखाने की होगी क्वेश्चन में बातें करी जाएंगी कई सारी और आखिरी में पूछा जाएगा बताइए ओपनिंग बैलेंस कैसे चेक करोगे उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट खूब सारा हो सकता है कि आप पिछले साल कोई ऑर्डर था, था इस साल आपको अपॉइंट किया और ऐसा ऐसा हो गया और उसके बाद फाइनली एक क्वेश्चन तो आप बेसिकली लास्ट लाइन से ही समझ जाओगे किस क्वेश्चन में किस कॉन्टेक्स्ट में आंसर देना बट देन कई बार ऐसा पूछा जाता है हाउ विल यू रिपोर्ट हाउ विल यू डील विद सच सिचुएशन ऐसे क्वेश्चन में आपको एनालाइज करना है कि ओके okay, कौन सा ऐसे ऐसे लगेगा उसके हिसाब से आपको कोई एक पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करके आंसर देना है यूजली एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों तो इंस्टीट्यूट अपने आंसर में मल्टीपल ऐसे इसके रेफरेंस नहीं देता है प्रेमारि आपके क्वेश्चन का आंसर सॉलिडली कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से बनेगा यू हैव टू वेरी केयरफुली आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेफरेंस आंसर दैट इज पर्टिकुलरली ओनली फॉर दो

चैप्ट ऑन ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी एंड एक्जिक्यूशन जो हमारे ऑडिट का पार्ट है जो आप चार्ट से कवर कर सकते हो छोटा चैप्टर है कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता है जीरो टू वन क्वेश्चन इस पर आते हैं कंपलसरी नॉर्मली नहीं, नहीं आता है जीरो टू फोर मार्क्स है एंड इट इज नॉट समथिंग इंट फ्रिक्वेंटली आज स्पेशली दो अटेम्प में नहीं आया ये मैंने बता दिया था कि आपको बता रहे की ओ शायद कभी इस बार ना आ जाए नॉट से आएगा बताए रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल इंस्टीट्यूट लव दिसर यूवन क्वेश्चन नॉट मॉर नॉट लेस नॉर्मली बट येस वन क्वेश्चन इट इज अटिटिल डिफरेंट काइंड ऑफ अ चैप्टर बद दिस नॉट विच इज वेरी लेंथी पर्टिक्युलरली अगर आप ड्रोन चार्ट से देखते हो तो इसके अलग ही कुछ आठ पेजेस यूज किए गए लेकिन वो चैप्टर आपको फॉर श्योर बहुत अच्छे से करना चाहिए क्योंकि उस चैप्टर का क्वेश्चन अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको एक्जक्टली exactly समझ आ जाएगा की अच्छा ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है अदरवाइज आप सोचते रहोगे कहीं ऐसे थ्री या इंटरनल कंट्रोल के कोई चैप्टर या इससे रिलेटेड तो नहीं है तो स्ट्रांगली सजेस्ट की आपको ये करना ही करना है ऑटोमेटेड एनवायरमेंट का एक क्वेश्चन आता है दिस इज अगेन समथिंग विच इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट को को अलग अलग फ्रेमवर्क होते हैं इसका आएगा वेदर यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू रिवाइज इट वेल कमी ऑडिट में इंटर बेस्ड टॉपिक्स के क्वेश्चन कम आते हैं विच इज वन थर्टी नाइन टू वन फोर्टी एट ज्यादा आजकल पूछते हैं वन ट्वेंटी पिछली बार भी उससे क्वेश्चन था अपार्ट फ्रॉम दैट कारो का यूजुअली एक क्वेश्चन डायरेक्ट या कहीं ना कहीं कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कारो का एप्लीकेशन देखने को मिलता है आई एम नॉट सेटेंट क्योंकि अभी भी हमारे कोर्स में 2016 कारो ही है इंटरेस्टिंग पार्ट एस की committee, committee के उपर, आपको एक से दो एमसीक्यू भी देखने को मिलते हैं और इसके ऊपर यूजुअली एक क्वेश्चन आता ही है हालांकि जुलाई 21 में इस पर क्वेश्चन नहीं आया था तो उम्मीद है कि इस बात तो आना ही चाहिए क्योंकि यूजुअली आता है इस चैप्टर की खूबी है दोस्तों कि अगर आप इसमें से ऑडिट कमिटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ के चले गए तो मेजर टॉपिक्स तो आपके चांसेस की आपका क्वेश्चन वही बैठे बहुत कम है क्योंकि इंस्टीट्यूट अलग अलग चीजों पे क्वेश्चन पूछता है कभी उसने नॉमिनेशन डेमोनेशन कमेटी पूछ लिया प्रीवियस टू प्रीवियस अटेम्प्ट में तो रिलेटेड पार्टी के डिस्कलोजर से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया था जो कि आपके स्टडी मटेरियल में आपको एकदम आखिरी में कहीं अदर डिस्कलोजर में दिखता है कभी वो कंप्लायंस सर्टिफिकेट कौन सर्टिफाई करेगा ऐसी बातें यानी ये पूरे चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स से प्रोविजन पूछे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है रिविजन के दौरान ये सारे टॉपिक्स में आप प्रोविजन बेस्ड स्टडी बहुत अच्छे से करें रिविजन के दौरान इसका मतलब जितने प्रोविजन हैं इसको कौन सर्टिफाई कर रहा है इसमें कितने डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे इसमें कितनी मीटिंग्स होना चाहिए ये बहुत अच्छे से करें आपको प्रोविजन है कि भैया इनके क्या क्या रोल्स हैं उसको आप जनरली एक बार रिव्यू कर लीजिए कि जितने आप वहाँ पर रिप्ले, रिप्लेकेट कर पाएंगे पॉइंट्स उतना अच्छा है बट देन प्रोविजन बेस्ड आप बहुत अच्छे से पढ़ें हिस्से आप करके क्योंकि एम भी आएंगे और अगर कोई क्वेश्चन प्रोविजन बेस्ड आगे ऑडिट कमेटी की लच्चे ये फॉर्मेशन है सही है या नहीं है तो आपका प्रोविजन स्ट्रांग नहीं होगा तो आपका वो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो रिविजन के दौरान प्रोविजन पे फोकस करें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग से पढ़ाओ तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जरूरी नहीं है इसका क्वेश्चन आता ही आता है आता भी है नहीं भी आता है ऑल्टरनेट अटेंट में आप कह सकते हो आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड नॉर्मली एक्सक्लूजन एक्सामिशन के क्वेश्चन आ जाते हैं रिपोर्टिंग कैसे करना है इसके अंतर्गत कैसे आप अदर ऑडिटर के साथ ऐसे सिक्स हंड्रेड की एप्लीकेबिलिटी कोऑर्डिनेशन कैसे होगा परमानेंट और करंट एडजस्टमेंट ऐसे मुश्किल से छह सात टॉपिक है जो आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो तो आई सजेस्ट करिएगा इसको छोड़ के ना जाइएगा पूरा कवर करें ऑडिट ऑफ बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के प्रीवियस दो से आप देखेंगे कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं बैंक और इंश्योरेंस बहुत लंबे चैप्टर हैं तो इंश्योरेंस में जहां जहां प्रोविजन इन्वॉल्व है बैंक में जहां जहां प्रोविजन इन्वॉल्व है बहुत अच्छे से पड़े जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया कि बताइए किसको रिपोर्ट दी जाएगी इन केस ऑफ नेशनलाइज बैंक तो ये प्रोविजन है इसको बहुत अच्छे से पढ़े कई सारे इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट्स हैं कि क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन में क्या इंटरनल कंट्रोल होंगे प्रोविजन नहीं है ये क्या है प्रोसीजर्स बेस्ड है इसको आप जनरली स्कीम थ्रू कर ले बट प्रोविजन इसमें भी बहुत अच्छे से पढ़े एनबीएफसी में भी बहुत अच्छे से देखें इंश्योरेंस बैंक एनबीएफसी सिमिलरली टैक्स ऑडिट इन सब प्रोविजन जहां जा रहे हैं उसको रिवाइज करते समय उस पर फोकस करें और ध्यान रखें ऐसा मत सोचना ही शुरू कि ये इंपॉर्टेंट है इस पर ध्यान दें आखिरी पन्ने तक जो इंपॉर्टेंट है नहीं है जहाँ प्रोविजन इन्वॉल्व हो रहा है उस पर आप एक्स्ट्रा फोकस करें दैट रियली गोइंग टू हेल्प यू इवन दी एमसीक्यूज ऑडिट में पूरा खेल दोस्तों अगर आपने प्रोविजन अच्छे से पढ़े तो आपके एमसीक्यू फॉर श्योर सॉल्व होना चाहिए और एमसीक्यूज अगर फॉर श्योर सॉल्व होंगे तो आपको कोई चिंता नहीं रहेगी और फिर वो कॉन्फिडेंस आपको आगे भी ले जाएगा दूसरे टॉपिक्स और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने के लिए ऑडिट ऑफ बैंक में नॉर्मली क्या पूछते हैं एनपीए पी से रिलेटेड प्रोविजंस आते हैं ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस पूछे गए हैं दे वाज प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग थिंग्स हैव आल्सो आज प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफिक थिंग्स लाइक क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस हो गए डिमांड ड्राफ्ट से रिलेटेड होगा इस तरह के

क्र की क्या एप्लीकेबिलिटी होगी सिस्टमिक नॉन सिस्टमिक इम्पॉर्टेंस प्रोविजन के रेट्स तो क्योंकि प्रोविजन इन्वॉल्व है एमसीक्यू बन सकते हैं प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जरूरी नहीं आता है जीरो टू वन है तो आई वुड अगेन सजेस्ट सी एफ एस जैसे इसको पूरा कवर करें सर आप तो सभी में बोल रहे हो पूरा कवर करो और आई एम ट्राइंग टू से आई एम नॉट से आप पूरा कवर करो इसका मतलब ऑडिट में एक चैप्टर छोड़ना है या नहीं मेरी स्ट्रैटेजी ऑडिट में इट्स नॉट ए बी सी इन ऑडिट इट इज ए बी सी इन अ पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज द राइट स्ट्रैटेजी फॉर एन ऑडिट

प्लस कुछ अभी अमेंडमेंट आए कैपिटल गेन से रिलेटेड प्रॉपर्टी की वैल्यू के असेसमेंट में जो एक पांच परसेंट दस परसेंट का आपको स्टैंप ड्यूटी के अलावा वैल्यूएशन का डिफरेंस दिया जाता है उस आई वुड से स्ट्रांगली फोकस करें हो सके तो उनके क्लॉज नंबर भी ध्यान रखें यू ऑल्सो गेट एमसीक्यूज ऑन टैक्स ऑडिट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आता है नहीं आता है इसमें कॉम्प्रेनसिव ऑडिट परफॉर्मेंस ऑडिट वाले पॉइंट्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो अगर आप दोनों चार्ट देखोगे तो उसका लास्ट पेज बट दो आर मोस्टली और मोरास्ट कमिटी वाला पोर्शन भी आप अच्छे से एक बार देख सकते हैं लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर शायद ही कभी पूछा जाएगा पूछते भी हैं नहीं भी पूछते हैं तो इसमें बहुत सारे केस लॉज हैं रैली आते हैं उसको स्किप कर सकते हो और देखने के लिए आपको देखना है तो इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या पेनल्टीज है और कंपनीज एक्ट में प्रोस्पेक्टिस और आपकी क्रिमिनल सिविल लाइबिलिटीज क्या आती है उस पर आप फोकस कर सकते हैं इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट ऑडिट ऑपरेशनल ऑडिट फुल थ्योरी चैप्टर है थ्योरी पिथ थ्योरी थ्योरी पिथ थ्योरी इसमें आपके लिए सबसे क्रिटिकल है कि क्वेश्चन आए तो आप आइडेंटिफाई कर सको ये किससे रिलेटेड है ध्यान रखना मेरी एक छोटी सी बात हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो यू बीन अपॉइंटेड एज ऑपरेशनल ऑडिटर और क्वेश्चन इंटरनल ऑडिट के किसी पॉइंट से रिलेटेड हो और मैनेजमेंट ऑडिटर लिखा और क्वेश्चन ऑपरेशनल ऑडिट का है तो इस क्वेश्चन के चैप्टर में ध्यान से पढ़ना कि आप कौन सी चीज किसके अंतर्गत पढ़ रहे हो जिस टू रिलेट की एग्जाम में आएगा तो आप कौन सी हार्ड डिस्क लगा के स्कैन करके आंसर देना शुरू करेंगे इसमें खूब सारी थ्योरी है तो इसमें अगर आपने ये गेस कर लिया कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस पर्टिकुलर पार्ट part से रिलेटेड है तो यू विल बी वेरी आई आई होप कि अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप कंफर्टेबली सही आंसर लिख के आ पाएंगे बट प्रॉब्लम इसमें भी यही है कि इंस्टीट्यूट एकदम बारीकी से किसी पर्टिकुलर कोने से उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है तो कवरेज इसके लिए कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है कि पूरी करें है ना अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है पर ऐसा नहीं है दो तीन आते हैं तो आप उस एंगल से इस पे कितना समय दें थोरी बेस्ड चैप्टर तो शायद पूरा गलत हो शायद ना हो ऐसा <coughs> हाल की आजकल एग्जाम में आंसर एग्जैक्टली लगते हैं अदरवाइज यू नो यू डोंट मार्क्स जिससे संतुष्टि हो ड्यूटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक लास्ट चैप्टर फाइंडा बट रियर थ्री बट वन टू टू इज फॉर श्योर नॉर्मली आप देखेंगे इसमें तो ड्यू डेलिजेंस रिव्यू फॉरेंसिक ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक कम पूछते थे पिछली बार पूछा है ड्यू डेलिजेंस नॉर्मली आता है आया नहीं लास्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन में फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं फ्रॉड अलग अलग प्रकार के हाउ विल यू चेक कैश रिलेटेड इन्वेंट्री रिलेटेड फ्रॉड्स या फिर आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज इन कंपनीज ऐ के इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं ये आपके वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ़ एक्विजिशन ऑफ शेयर रिलेटेड जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था तो इस तरह के आपके टॉपिक्स हैं अगर आप इस चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं और एक ओवरव्यू ले लोगे कि अच्छा अच्छा ये ये पॉइंट्स हैं स्टैचूडरी में ये ये सेक्शंस लग रहे हैं टू वन वन सॉरी टू वन जीरो टू वन टू टू वन थ्री यही कहता है ओके प्रोविजन में जहाँ पे बैंक लोन दे रही है तो उसमें ये ये मेजर मेरे पॉइंट्स दिमाग में आ गए इतना इतना तरह से आप कर लीजिए तो वहाँ पे आपको की वर्ड्स और रेफरेंस पॉइंट हो गए फिर उसके ऊपर आपको डेवलप कर लेना दैट विल फेच यू मेजोरिटी मार्क्स ऐसे भी अपने को सोमे से सोनी लेके आना है ऑडिट में तो इस एंगल से आपको सोचना है कि भाई ये वो टॉपिक्स है जहाँ पे मैं थोड़ी सिलेक्टिव स्टडी कर सकता हूँ बट डेफिनेटली ये टॉपिक आपको करना ही करना है दोस्तों प्योर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू में प्योर रिव्यू वेरी डुएबल कई बार इसके ऊपर इन नॉट कई बार बार एक बार पूरा दस मार्क का एमसीक्यू भी इस पर आ चुका है आपके बहुत आपके यूट्यूब पेडियो कवर करते हुए फुल स्पीड में आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं तो द्रोन चार्ट या जो भी मटीरियल से करते इसको रिव्यू कर ले बट यू नॉर्मली नॉट गेट मोर देन वन क्वेश्चन ऑन दर सर प्रॉब्लम यहीं पर ऑडिट में कि आप देखो हर चैप्टर से उठा उठाकर वो एक एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में मैंने आपको बताया टोटल छे हर में तीन पार्ट यानी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रहा है तो अठारह टॉपिक्स को तो पूछ सकता है अठारह में से आप ये ले लीजिए कि पांच एवरेज ऐसे इसके आपके निकल गए जिसमें एसक्यूसी भी आ गया ऐसे टू हंड्रेड ट्वेंटी जैसा है जो पांचवा निकल गए थर्टीन बचे थर्टीन में से आप ले लीजिए तीन कोड ऑफ एथिक्स के चले गए तो बचे टेन आपके पास टेन में से आप ले लो दो से तीन कंपनी ऑडिट के चले गए तो सात बचे यानी स्पेशल ऑडिट के वो सात अलग अलग से या से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके लिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन इन पे आते हैं एंड देन प्रोफेशनल एथिक्स में भी आप 3, और समटाइम्स फोर क्वेश्चन नॉर्मली आप देखना इसमें एकाध क्वेश्चन थोड़ा सा ऑफ बीट आएगा जो पहले पढ़ा हुआ नहीं है थोड़ा नए टाइप का है थोड़ी स्टोरी है आपको इतना अपनी वाली फीलिंग आएगी हमारे साथ भी ऐसा होता है हमने देखा है कैसे होता है बाकी डुएबल आएंगे आपको आइडेंटिफाई करना है डुएबल है बढ़िया करो बाकी में थोड़ा दिमाग लगाओ अच्छे से पढ़ाई करी हुई है तो बढ़िया आपका तुक्का बैठेगा तुक्का नहीं है आपकी रीजनिंग बैठेगी काम करेगी एग्जाम से एक दिन पहले कैसे पढ़ाई करनी है एसएफएम एफ देकर आए एसएफएम वाले दिन पे मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कंपनी ऑडिट पूरा कर लो कंसिडरिंग उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो पहले देख सकते हैं इंटरेस्टिंग भी रहता है तो मन भी लग जाएगा एकदम से उठाने में और स्पेशल ऑडिट के कम से कम आप कोई दो चैप्टर्स पहले से आइडेंटिफाई करके रखना कि उस दिन कौन से करने है ये पहले से फिक्स कर लो वो उस दिन कंप्लीट होना चाहिए देन नेक्स्ट डे आप सुबह उठते से ही क्या करिए ऐसे उठा लीजिए फ्रेश माइंड से और ऐसे ही मत सोचो सारे कंप्लीट करना है तो 200 तो, तो, से 500 सौ से छोटा टारगेट रखो तो क्या होगा पहाड़ भा, चढ़ना ऐसा नहीं लगेगा आपको तो 200 हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड ही आपको लगता है 540 तक करूंगा तो वहां तक के कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद में फिर कोडोपथिक्स पे आ जाओ क्विकली कोडोपे रन कर लीजिए वापस बाकी बचे हुए टाइम स्पेशल ऑडिट पे पूरा समय दीजिए एग्जाम से एक दिन पहले वापस स्पेशल ऑडिट के जो चैप्टर्स आपके रह गए वो और एक बार क्विक रिव्यू सारी चीजों का कोई भी चीज आपने इंपॉर्टेंट मार्क की है याद नहीं लग रही है आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है मैंने स्पेसिफिक कुछ कहा था आपको वो सारी चीजों का एग्जाम से एक दिन पहले रिव्यू करना स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन एग्जाम से पहले हो सके तो कोई भी एक पेपर आपने जो इंस्टीट्यूट का देखा हुआ है मॉक टेस्ट पेपर या पास्ट एग्जाम पेपर और सजेस्टेड आंसर पूरे जो अच्छे से देखे हैं एक बार उसके क्वेश्चन और आंसर पढ़ लेना मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि अगर मैं पाँच सात कविताएं पढ़ लेता हूं या छः सात शायरिया सुन लेता हूं तो मैं भी शायराना हो जाता हूँ और एक के बाद एक मेरे में उसे भी शायरिया निकलना शुरू हो जाती है हमारा माइंड कंडीशन हो जाता है दोस्तों वैसा तो आपने सजेस्टेड आंसर पढ़ा तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपसे वैसी लैंग्वेज आना शुरू हो जाएगी एग्जाम हॉल में आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है

बाद में हो सकता है उससे भी मेरी दोस्ती यारी हो जाए और ऐसे भी ऑप्शन में तो मैं एक छोड़ी सकता हूँ इस सोच के साथ आपको पेपर करना है पेपर दे के आइए अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजिकली करी गई है इंस्टीट्यूट ने थोड़ी मदद कर दी और आपने जो मैंने शुरू में बताया था कि कब पेपर टफ माना जाता है या कब आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगता है वो सोच के साथ आप पेपर में जाओगे यू विल ऑलवेज फील कंफर्टेबल कंपोज्ड एंड यू विल फाइंड थिंग्स टू बी इन योर कंट्रोल That is my tip and strategy for your paper of audit for December 2021. Wish you all the very best for it. And we have the Telegram channel which we have made a group uh, which uh, link has been shared in the Telegram channel, which is for mentoring till your audit paper goes on. For all your doubts, solving query solving silly questions, anything which is kind of creating any kind of issues for you, you can join that and you can ask questions. I'll stay connected uh, in that particular uh, through that particular group with you on a daily basis. Thank you very much.